Hello, friends. Welcome to Daily News Analysis of the Indian Express. Today the date is November 22. So let's get started. First, here is कि हमारे यहाँ 2+2 का समिट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ. तो उसमें सभी इश्यूज पर डिस्कशन हो रहा है, चाहे पैलेस्टीन इसराइल कन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन वॉर हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, या ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने की बातें हो, क्लाइमेट चेंज हो, सभी चीजों पर बात होती है. राइट, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है देयर इज अर्जेंट नीड टू इंश्योर दैट ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ इफेक्टिवली एंड सेफली रीच द पॉपुलेशन ऑफ गाजा. ओके, बट एट द सेम टाइम द हॉस्टेज टेकिंग इज इक्वली अनएक्सेप्टेबल एंड कैन नॉट बी कंडोन्ड. अब यहाँ पर इसराइल ने एक चीज अच्छी की है कि इन्होंने LET लश्कर तैयबा इसको ना इन्होंने डिक्लेयर किया है एज अ टेररिस्ट आउटफिट. अब ये क्यों किया है इसने? देखिए, पहली बात तो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर करती है, दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ ऐसा सफिशियंट नेक्सेस होना चाहिए उस कंट्री से. ओके, जैसे हमास इसराइल पे अटैक करता रहता है टेररिस्ट, तो उनकी नजर में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. बट LET का ऐसा कोई रोल है नहीं इसराइल की तरफ. ओके, इसी तरीके से अब वो ये उम्मीद करता है कि हमने ये किया है तो इंडिया भी हमास को टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर करेगा अंडर UAPA लॉज. अंडर UAPA हमने ऑलमोस्ट 44 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, बट हमने हमास को नहीं किया है. इनिशियली हमने हमास ने जो अटैक किया था उसको टेररिस्ट अटैक कहा हमने, लेकिन बाद में जब हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया तो उसमें हमने हमास को मेंशन नहीं किया है. राइट, नाउ इसराइल लिस्टेड पाकिस्तानी बेस्ड LET एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया हैज कंडेम्ड अक्टूबर 7 अटैक बट हैज नॉट नेम्ड हमास. ओके, क्योंकि हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पे चलने जैसी बात हो रही है कि हमें अरब वर्ल्ड के साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन करने हैं और इसराइल के साथ भी करने हैं. हालांकि हम इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते रहते हैं, बट जब हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया तो हमने उसमें हमास को मेंशन नहीं किया. अब यहाँ पर ये जो एक्स चीफ जस्टिस है मिस्टर संजीव बैनर्जी, इन्होंने क्या किया था उस टाइम, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन में कह दिया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसमें मर्डर चार्जेस चलने चाहिए क्योंकि इसने कोविड प्रोटोकॉल के सारे नॉर्म्स को वायलेट किया था ड्यूरिंग तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन. उस टाइम जो सेकेंड वेव आई थी तो बहुत डेथ्स हो रही थी. ओके, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर की रैलियों पर बैन नहीं लगाया, और उसने रैलियों पर बैन तभी लगाया जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी रैली कर चुके थे. तो वो यही कह रहे हैं, इफ इलेक्शन कमीशन इज सीन टिल्टिंग वन वे और द अदर बाय इवन ए वेरी स्मॉल डिग्री, इट कैन हैव ए ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डेमोक्रेसी. राइट, और इन्होंने कहा है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं अपने उस कमेंट को अभी भी डिफेंड करता हूं कि मैंने जो कहा था ठीक कहा था. राइट, लश्करे तैयबा का कह रहे थे, नो दिस तेल अवीव मेजर विदाउट एन इंडियन रिक्वेस्ट इज वेलकम्ड इन न्यू दिल्ली. इंडिया ने रिक्वेस्ट किया ही नहीं था कि आप LET को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कीजिए अपने यहां भी, बट इसराइल ने अपने आप से किया है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि इंडिया और इसराइल ये दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं पूरी तरह से. ओके, क्योंकि दोनों एक ऐसी ज्योग्राफी में है जहां पर आसपास होस्टाइल एनिमीज ज्यादा हैं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों पर टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, दोनों के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी सेम है, वो भी उधर अरब देशों से घिरा हुआ है, यहां पर हम भी अपने होस्टाइल नेबर्स को फेस कर रहे हैं लाइक पाकिस्तान एंड दिस चाइना. राइट, और फिर उसके बाद अगर एग्रीकल्चर की नीड्स वगैरह हम लोग देखें, ठीक है, तो वो भी हमारी काफी सेम है दोनों की. उनके बाद लैंड एरिया कम है, काफी काफी डेजर्ट एरिया, नेगेव डेजर्ट वगैरह, ठीक है, पानी की बहुत शॉर्टेज उनके यहाँ, इसलिए वो एग्रीकल्चर में काफी सारे इनोवेशन करते रहते हैं. और हमें भी, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत है बट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, वो बहुत कम है. तो इसराइल की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो इनोवेशन एक्टिविटीज हैं एग्रीकल्चर में, वो इंडिया अपने साथ शेयर करना चाहता है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकें. राइट, ऐसे कई एंगल्स हैं जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एंड इसराइल आर नेचुरल पार्टनर्स. व्हाइल इसराइल ओनली लिस्ट इट्स टेरर ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्टिवली ऑपरेटिंग अगेंस्ट इट फ्रॉम विद इन और अराउंड इट्स बॉर्डर और इन ए सिमिलर मैनर टू इंडिया, those globally recognized by UNSC or US State Department. और हमास को अभी तक UN ने भी designate नहीं किया है terrorist organization. कुछ countries ने किया है, US, UK, I think Japan ने भी किया है. Okay, to highlight the importance of a unified global front in combating terrorism. Ultimately, हमास को जो designate करने का reason है वो दो है. एक तो इंडिया को दिखाना चाहता है कि we are partners. Okay, और दूसरी तरफ ये दिखाना चाहता है world को कि टेररिज्म इज अ टेररिज्म, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के लिए आप टेररिस्ट हो किसी कंट्री के लिए नहीं हो. देयर शुड बी अ यूनिफाइड ग्लोबल फ्रंट. राइट, हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है US, UK, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने हमास को डेजिग्नेट किया है एज अ टेरर आउटफिट, तो इंडिया को भी करना चाहिए वैसे। व्हाइल इजराइल एंड यूएस हैव ड्रॉन पैरेलल्स बिटवीन हमास एंड इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा, दिल्ली हैज बीन केयरफुल इन फ्रेमिंग दिस। इंडिया हैज टू बी माइंडफुल ऑफ इट्स इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटीज ऑन दी अदर साइड, दैट इज अरब वर्ल्ड, ईरान एंड मैनी इन दी ग्लोबल साउथ, क्योंकि अल्टीमेटली हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। नाउ इंडिया ने आईसीस को तो डेजिग्नेट किया अंडर यूएपीए एक्ट 1967। द इंडियन लॉ हैज बीन वेरी लोकल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप टू बी एडेड। या तो आप कुछ ऑपरेशन इंडिया में कर रहे हो, या आपको कहीं से फाइनेंस दिए जा रहे हैं इंडिया से टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए, या फिर आप इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रहे हो लोगों की फॉर टेररिस्ट अटैक विद इन इंडियन टेरिटरी, तब भी हम आपको डेजिग्नेट करते हैं अंडर यूएपीए। तो अभी तक हमास को लेकर हमारे ये तीनों क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ये फिट नहीं होते हैं इसमें। ना हमास हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहा है, ना फाइनेंसेस लेता है हमारे यहाँ से, और ना ही वो कोई रिक्रूटमेंट करता है यहाँ से। सो देर इज नो एविडेंस सो फार दैट हमास हैज डन एंड वायलेटेड इंडियन लॉ सो फार। क्या आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है ना दिल्ली का, ये क्या है कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को भी कुछ फंडिंग देने की जरूरत थी, बट इन्होंने क्या किया है कि अब कोर्ट ने इनको कहा है, जबकि कोर्ट का काम नहीं है ये सब देखना, बट इन्होंने दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर 1100 करोड़ खर्च कर दिए, और इस साल फिर से बजट रखा है 550 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट में। यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1650 करोड़ का बजट 4 साल में अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। बट इस आरआरटीएस कॉरिडोर में जो आपको शेयर देना था 3000 करोड़, ठीक है, गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर कॉरिडोर के लिए, एंड 2000 ऑलमोस्ट 2500 करोड़, दिल्ली सोनीपत पानीपत करोड़, इसके लिए कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, तो कोर्ट ने कहा देखिए या तो आप फंड प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज हम लोग आपको जो एडवर्टाइजमेंट फंड है ना उससे कट करेंगे। अब कह सकते हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच का मैटर तो है, बट कहीं ना कहीं आजकल सरकारें ऐसी चल रही हैं, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है काम कम है। इलेक्शन रिलेटेड न्यूज है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। अगे यहाँ पे हमने काफी बात कर चुके हैं यार, ये क्रॉप रेसिड्यू वगैरह की काफी सारे एंगल्स कवर कर चुके हैं, अब और ज्यादा दोबारा उसमें बार बार सेम चीज पढ़ने का कुछ सेंस नहीं। ओके, यहाँ पर एक फिश का नाम है, दैट इज गोल्ड फिश, काफी एक्सपेंसिव होती है, इसे गुजरात ने अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। गुजरात के सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर फिश, अपनी डेलिकेसी के लिए भी फेमस है, उसके अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी। इसका जो ब्लेडर होता है ना वो बहुत हाई वैल्यू है इसकी एक्सपोर्ट मार्केट में, राइट। और ये कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में, पर्शियन से लेके पैसिफिक ओशन तक सब जगह मिलती है। ये कई स्टेट हैं जिन्होंने स्टेट फिश डिक्लेयर किया है, नाम आपको जानना जरूरी नहीं है। एंड इट हेल्प टू इंक्रीज इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन। अब इसमें एक योजना लाए थे हम लोग, ओके, मत्स्य योजना, ओके, ताकि हम लोग क्या है फिश के प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, जो फार्म फिशर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को बेटर बनाना चाहते हैं। ओके, और इसमें हमने एक और चीज की थी कि हमने केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम होती है, 3 लाख तक का लोन आपको मिल जाता है अराउंड 4% समथिंग पे, ओके, तो हमने केसीसी की स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया था कि अब ये फार्मर्स के अलावा फिशरमैन को भी एक्सेसिबल होगी। बट यहाँ पे एक कंसर्न है थोड़ा सा कि देखिए ओनली 16% ऑफ दिस सीआरपीएफ, ओके, ओनली 16% आर डिप्लॉयड इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एंड दैट टू दे आर हैविंग इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन सेट्स। सो ये थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है इंडिया के लिए। चलिए ओके, यहाँ पे कल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जो न्यूज थी इसमें कि एक आदमी को रिलीज किया गया, उसे क्या किया था, उसने 2011 में कोई आर्टिकल लिखा था, ठीक है, अपने ब्लॉग पे या प्लेटफॉर्म जो भी है उसका, उसके लिए उसको 11 साल बाद अरेस्ट किया गया अंडर यूएपीए, क्या कहते हुए कि आपने भारत की डिग्निटी को हार्म किया है, राइट। और तो कोर्ट ने इसमें कहा था कि नहीं, ये आप बहुत ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन ले रहे हो, जब आप क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम करो इस तरह की तो आपकी डेफिनेशन थोड़ी नैरो होनी चाहिए, सिर्फ सेंटर को क्रिटिसाइज करना टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो जाती। ओके, तो ये जो पर्सन है मिस्टर फहद शाह, वैसे जर्नलिस्ट हैं, इन पे चार्जेस फ्रेम किए गए अगेंस्ट हिम अंडर यूएपीए एक्ट, ओके, हेल्ड अंडर प्रोविजन ऑफ यूएपीए इन अप्रैल 22 में चार्जेस फ्रेम किए गए, जबकि उन्होंने आर्टिकल लिखा था 11 साल पहले।
राइट, तो वो भी अपने पोर्टल पे लिखा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मस्ट जस्टिफाई द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज अंडर यूएपीए। इट रिजेक्टेड पुलिस आर्ग्यूमेंट दैट ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया इज ए प्रॉपर्टी अंडर एंटी टेरर लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ विच इज ए टेररिस्ट एक्ट। सो दिट वुड लिटरली टर्न क्रिमिनल लॉज ऑन इट्स हेड। इट मीन्स दैट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टेररिस्ट एक्ट बिकॉज ऑनर ऑफ इंडिया इज इन इज इट्स इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक केस आया था तीन लड़कों को लेकर, जब दिल्ली राइट्स हुए थे, वहां दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था, टेरर एक्टिविटी कैन नॉट बी सो ब्रॉडली डिफाइंड एज टू इंक्लूड ऑर्डिनरी पीनल ऑफेंसेज, रूल दी कोर्ट। कोर्ट ने कॉशन किया था दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल प्रोविजंस दी शुड बी स्ट्रिक्टली एंड नैरोली कंस्ट्रूड। अब गवर्नमेंट के लिए ये वार्निंग है एक तरह की कि नेशनल सिक्योरिटी क्लेम्स कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ थिन एयर। ओके, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है दैट इट इज यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज ए टूल टू डिनाई सिटीजन रेमेडीज दैट आर प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। दिस इज नॉट कंपैटिबल विद द रूल ऑफ लॉ। ओके, अच्छा मुझे ना आपको हमास से रिलेटेड एक चीज इधर बतानी है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी, बट शायद आप में से कुछ लोग हैं नहीं उसमें। ठीक है, ये इसराइल हमास का इशू हो या फिर यमन में जो हाउदी रेबल्स ने परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, हाउदी रेबल्स ने भी क्या किया था, इन्होंने एक शिप थी, ठीक है, जापनी शिप भी थी, एक ब्रिटेन की शिप भी थी, उसको सीज कर लिया था। तो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ ये जानना है कि वाई पीस इन वेस्ट एशिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने आपसे 2 दिन पहले शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहला तो कि वेस्ट एशिया जो है ना, वो क्रिटिकल एनर्जी सप्लायर है हमारा। ये हमारी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट वगैरह हम मीट करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल की हो, नेचुरल गैस की हो, तो इसलिए इस रीजन में स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 80% से ज्यादा अपनी एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करते हैं, राइट? और एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हमें इस रीजन में पीस चाहिए। नेक्स्ट कि ये हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, इनके साथ ट्रेड वॉल्यूम है हमारा $150 बिलियन, एंड वेस्ट एशिया स्टैंड एट इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इवन इस 150 में से यूएई एंड सऊदी अरेबिया अकेले अकाउंट फॉर 90 एंड 50 रिस्पेक्टिव, यानी $140 बिलियन तो इन दो कंट्रीज के साथ ही हमारा, सऊदी एंड यूएई के साथ। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। द प्रोलॉन्ग्ड इसराइल हमास कंफ्लिक्ट थ्रेटन्स टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट एशिया, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। एडिशनली, पीस इन वेस्ट एशिया इज क्रूशियल फॉर इंडियाज कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशन मैरिटाइम रूट एज वेल, राइट? बिकॉज इट इज ए की एस्पेक्ट ऑफ जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, तो वेस्ट एशिया में करीब करीब 80 से 90 लाख इंडियंस रहते हैं, 8 to 9 मिलियन इंडियंस, राइट? विद कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई होस्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन में पीस बना रहे, हम नहीं चाहते ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा चले। चलिए, यहां पर इन्होंने बात की है मिस्टर सी राजा मोहन, इनके आर्टिकल हमें कभी मिस नहीं करने चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा लिखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहां पर क्या हुआ है कि चाइना, एक तरफ है चाइना, ठीक है, एक तरफ है अपना क्वाड ग्रुप, यहाँ है जापान, यहाँ है इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, तो ये जो क्वाड ग्रुप बना था, ये बना किस लिए था? सोल फोकस था कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, नो क्या हो रहा है कि जापान के साथ हैं इसके मैरिटाइम डिस्प्यूट्स, ठीक है, कुछ आइलैंड्स हैं उनको लेकर इसके डिस्प्यूट चलते रहते हैं, और इंडिया के साथ चलता है इसका मोस्टली टेरिटोरियल डिस्प्यूट। लेकिन इन दोनों ही डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा अगर चाइना कहीं पर असर्टिव है तो वो है इंडिया के साथ। इसे काफी टाइम तक हमने ये कोशिश की कि हम क्वाड का मेंबर का क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं बने, वरना चाइना और ज्यादा एग्रेसिव होगा हमारे इधर, क्योंकि अल्टीमेटली क्वाड चाइना के अगेंस्ट ही डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन फिर अल्टीमेटली चाइना की कुछ हरकतों की वजह से हमें ज्वाइन करना पड़ा कि नहीं, हमें जरूरत है पार्टनर्स की। ओके, रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके साथ इस पे काफी इश्यूज चल रहे हैं, ट्रेड को लेकर काफी इश्यूज हैं, दोनों एक दूसरे पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बढ़ाते रहते हैं, और कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, एस्पियोनेज वगैरह के केसेस हैं चाइनीज कंपनीज पे कि ये जासूसी करती हैं, ये पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियंस को
चाइनीज कंपनीज, ठीक है। तो फिर इन्होंने इस पॉलिटिकल फंडिंग को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि हम अलाउड नहीं करेंगे। और इसके अलावा कि मैरीटाइम डोमेन में भी इनकी जो शिप्स वगैरह होती हैं आजकल आमने सामने आ जाती हैं। अभी कल ही हमने उसके रिगार्डिंग न्यूज़ देखी थी। यूएसए की बात है तो यूएसए ने भी कहा है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज, वो हमारी कंपनीज चाइनीज के साथ शेयर ना करें। इन्होंने भी 5G नेटवर्क से चाइना की हुआवी और ZTE इस तरह की कंपनीज को बैन कर दिया था कि आप लोग डेटा चोरी करते हो, आप लोग एस्पियोनेज करते हो, स्पाई करते हो चाइनीज गवर्नमेंट के बिहाफ में, राइट। तो ये सब चीजें भी चाइना और इनके बीच डिस्प्यूट की वजह बनी है। अब व्हाट इज गेटिंग कॉम्प्लिसिटी इज कि इंडिया ने चाइना के साथ कह दिया है कि देखिए तीन चीजें हैं। एक है मिलिट्री लेवल पर, तो पहले तो आप ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है ना उसको रिजोल्व कीजिए, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक लेवल पर। इकोनॉमिक पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ उसको डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की। हमने कई मोबाइल कंपनीज को यहाँ अट्रैक्ट किया। हमने एक बैन लगाने की बात की थी अभी कि इम्पोर्ट पे बैन लगाएंगे मोबाइल लैपटॉप्स और ये पीसी वगैरह पर, बट बाद में उस बैन को भी रोक डिले कर दिया हमने, ठीक है। और तीसरा है कि पॉलिटिकल लेवल पर आप चाइना के साथ डायलॉग करने हैं या नहीं, ये तीन तरीके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा है कि पहले मिलिट्री स्टैंड ऑफ को रिजोल्व कीजिए, उसके बाद बाकी इकोनॉमिक लेवल पर पॉलिटिकल लेवल पर बात करेंगे। चाइना कहता है कि नहीं, अभी मिलिट्री मैटर को अभी साइड में रखो, बट बाकी चीजों पर बातचीत चलती रहनी चाहिए। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, नहीं बात होगी तो सब पे होगी, वरना किसी मैटर पर नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरह का स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में इस वजह से। और अब यूएसए के प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, अभी मिले रिसेंटली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट भी चाइना के प्रेसिडेंट साथ मिले। इन लोगों ने अपने जो डिफरेंसेस हैं चाइना के साथ वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो अब ये बताइए, क्या ये दोनों अगर ये कर रहे हैं बातचीत चाइना के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इंडिया को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए? तो ये एडिटर जो है मिस्टर सी राजमोहन का कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें तीनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट उधर के जो न्यूज़पेपर, उनका कहना है देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, यूएसए बात कर रहा है, अगर इंडिया नहीं कर रहा तो इंडिया आइसोलेट रह जाएगा चाइना से। बट इंडिया का स्टैंड क्लियर है, नहीं हमारे लिए मिलिट्री सिक्योरिटी कंसर्न भी उतना ही जेनविन है जितना कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। तो पहले मिलिट्री स्टैंड ऑफ रिजॉल्व होगा, उसके बाद आगे बात होगी। राइट नाउ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बानिस। यूएस प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जैपनीज प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्यूमियो किशिदा, ठीक है। नाउ इंडिया इज अनविलिंग टू रिज्यूम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग विद चाइना अंटिल द मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन लद्दाख फ्रंटियर इज रिजॉल्व। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड, चाइना वॉन्ट्स इंडिया टू पुट दी बॉर्डर क्वेश्चन असाइड, साइड में रखिए, एंड रिज्यूम नॉर्मल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट, बट इंडिया इंसिस्ट नो, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ बॉर्डर। सो इंडियाज कंटिन्यूअल मिलिट्री डायलॉग विद चाइना, तीन थ्री फोर स्ट्रेटेजी है। एक मिलिट्री डायलॉग हो गया, दूसरा एफर्ट टू रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद बीजिंग, इकोनॉमिक वाला एंगल जो मैंने आपको बताया ऊपर ट्राइंगल बना के, एंड तीसरा है पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऑन होल्ड। अभी के लिए हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट होल्ड पे रख दी है। नेक्स्ट इज, ऑल दो बैलेंसिंग चाइना इज ए की स्ट्रेटेजिक इंग्रेडिएंट ऑफ क्वाड ऑब्जेक्टिव, क्वाड का मेन गोल तो यही था, बट नॉन ऑफ इट्स मेंबर वॉन्ट टू गिव अप द राइट टू परस्यू डिप्लोमेसी दैट बेस्ट सूट्स स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। क्वाड ग्रुप का मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पर वो कंट्रीज आपस में नेगोशिएट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है अपने लेवल पर, जरूरी नहीं है क्वाड का मेंबर है तो पूरे क्वाड का एटीट्यूड चाइना की तरफ सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इंडिया आइसोलेट रहना चाहता है चाइना से, हमें बात नहीं करनी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करेगा, यूएस नहीं करेगा, वो कर रहे हैं। दिल्ली फॉर एग्जांपल हैज नॉट जॉइंड क्वाड्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। हम भी क्वाड के मेंबर थे, फिर भी हमने कहा था कि हम आपका ये जो क्वाड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है वो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे चाइना और ज्यादा अर्क हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होती है हमें हिमालयन साइड पर। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया यूएसए तो है फिजिकल डिस्टेंस पे चाइना से, मैप में देखेंगे तो, ठीक है। और डायरेक्ट टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है नहीं उनका बीजिंग के साथ, जापान का है तो सिर्फ मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो। चाइना इज नॉट प्रॉमिसिंग टू क्विकली रिस्टोर पीस ऑन द बॉर्डर, बीजिंग मेयरली कॉल्स फॉर सेपरेटिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, जो इंडिया को एग्री नहीं है। नाउ यूएसए के साथ रिन्यूड एंगेजमेंट एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट तो दिखाता है वॉशिंगटन के रिलेशन विद बीजिंग के साथ, कि वो कुछ कोशिश कर रहा है उनके साथ चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, ओके। बट इनके भी रिलेशन ना सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाइना यूएसए के रिलेशन बहुत अप डाउन जाए गए हैं पहले भी, ठीक है। जस्ट लाइक चाइना रशिया, अगर आप वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखेंगे ना, इवन टिल टाइम ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा, इन्होंने कोशिश ये की थी कि चाइना और यूएसए का एक्सेस बहुत स्ट्रांग बने, ओके। और शुरू में अगर और पीछे जाएंगे आप तो रशिया, चाइना और इधर इंडिया,
इंडिया थोड़ा क्लोज पार्टनर रहा हमेशा रशिया का, और रशिया का ये था कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को थोड़ा सा मजबूत करेंगे। लेकिन फिर देखा कि चाइना ने इतनी तेजी से रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कि उसको काउंटर करना पॉसिबल नहीं है, और दोनों कम्युनिस्ट थे ही रशिया और चाइना, तो फिर ये दोनों एकदम से पार्टनर, पूरे स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन गए, क्योंकि रशिया ने मान लिया कि नाउ चाइना इज अ बिग ब्रदर व्हेन इट कम टू कम्युनिस्ट। ओके, तो फिर चाइना रशिया का एक्सेस ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया, और फिर मजबूरी में इंडिया को थोड़ा यूएसए की तरफ टिल्ट होना पड़ा। तो ये अप डाउन चलते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ऐसे कोई परमानेंट नहीं होता कुछ भी, इसलिए वो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन बट जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। इंडिया नाउ मोर सेल्फ अश्योर्ड इन डीलिंग विद ग्रेट पावर्स, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग है पहले से, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता यूएसए उसके साथ नेगोशिएट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम इंडिविजुअली भी नेगोशिएट कर लेंगे जब हमें जिस तरीके से करना होगा, जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर पर स्टैंड अपना आज तक क्लियर रखा हुआ है, हम किसी के सामने दबे नहीं इसमें। ओके, नाउ टू एक्सेलरेट इंडियाज राइज इन ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले तो हमें अपना खुद का ग्लोबल स्ट्रक्चर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए इरिस्पेक्टिव की बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं। रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक गैप विद चाइना एंड एनहांस द मिलिट्री डेटरेंस अगेंस्ट बीजिंग। ओके, चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, उनकी इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है और उसकी जियो पोलिटिकल जो ओवर रीच है उसके अगेंस्ट रिएक्शन बहुत आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था फिलीपींस, फिलीपींस ने क्या किया, उसने वियतनाम और मलेशिया को क्या कहा कि हम लोग मिलकर तीनों एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। Okay, क्योंकि ये वियतनाम स्पेशली, इसकी भी चाइना से बहुत तनातनी चलती है, फिलीपींस की बहुत चलती है, और फिलीपींस को तो पूरा अनकंडीशनल ट्रीटी सपोर्ट है यूएसए का। ओके, और मलेशिया उसके साथ भी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा था कि हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे साउथ पैसिफिक, साउथ चाइना सी में ऑपरेट करने के लिए। राइट, ऊपर से चाइना कोशिश कर रहा है कि चलिए आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर मैं भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकूं, लेकिन वो इनको कहता है कि वन टू वन नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, आसियान के 10 मेंबर्स हैं, चाइना कहता है पहले मैं एक के साथ नेगोशिएट करूं, दूसरे के साथ करूं, तीसरे साथ करूं, ओके, एज अ ग्रुप नहीं नेगोशिएट करता है वो आसियान के साथ, ऑब्वियस बात है ग्रुप के सामने आप बैठोगे आपकी नेगोशिएटिंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, बट वन टू वन बताइए आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक, तो वो चीजें ईजी हो जाती हैं उसमें। चलिए आगे चलते हैं, ये लैंडिंग एप्स 2 दिन से देख रहे हैं हम पिछले, ठीक है, काफी ड्रामेटिक एक्सपेंशन हुआ है इसमें डिजिटल लैंडिंग में, ठीक है, ड्यू टू न्यू एज फिनटेक कंपनीज। नाउ प्रोलिफ्रेशन ऑफ अनस्क्रूपुलस प्लेयर्स, ये जो फर्जी ऐप है ना इनका प्रोलिफ्रेशन भी हुआ है, जो जेन्युइन फिनटेक कंपनी से वो तो अच्छी बात है, बट इनकी आड़ में काफी सारी ऐसी फर्जी कंपनी ऐप भी आई हैं, हुआ टेकिंग एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियली लेस सेवी इन दी लो एंड मिडिल इनकम क्लासेस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली वो जो वो ड्रीम इलेवन वगैरह बैटिंग करते थे ना, वो लोग बहुत लोन लेने लगे थे, 10,000 ले लेता हूँ मैं इस ऐप से, आज ही जीतूंगा और आज ही चुका दूंगा, इस तरह की हरकतें स्टूडेंट्स ने बहुत की है। छोटे शॉपकीपर्स, इनकी अपनी एक मोडस ऑपरेंडी है किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले। पहले तो ये लोग सोशल मीडिया को फ्लड कर देते हैं बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट से, बिल्कुल 2 मिनट में लोन मिलेगा, इतना मिलेगा, इतने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कमेंट सेक्शन भी बंद कर देते हैं एडवर्टाइज में, ताकि कोई ये भी ना बता पाए कि मेरे साथ गलत हुआ। With ads promising loans, despite an individual having low credit score, while advertised interest rates are low, they tend to act as inducement and ask for much more money in repayment, almost more than thrice. परसों हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक आदमी का 15,000 लोन लिए थे उसने और 50,000 उसको चुकाने पड़े बाद में, और वो हरकतें क्या करते हैं, आपके कॉन्टेक्ट, आपकी गैलरी का एक्सेस लेंगे, आपकी फोटोज को मॉफ करेंगे और उसके बाद आपको अब्यूसिव मैसेजेस भेजेंगे व्हाट्सएप पे, और आपके उन मॉफ फोटोज को आपके कॉन्टेक्ट में जितने नाम है सबको शेयर कर देंगे। इन अगस्त 22 आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने सजेस्ट किया था कि वी शुड क्रिएट एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये सब हमने डिस्कस किया पिछले 2 दिन में, टू वेरीफाई डिजिटल लैंडिंग एप्स, ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन हो गया कि पहले तो इंडिपेंडेंट बॉडी बना देते हैं हम इनको वेरिफिकेशन के लिए, और डिसाइड किया था सेंटर ने दैट आरबीआई प्रिपेयर करेगा एक व्हाइट लिस्ट, ठीक है, व्हाइट लिस्ट क्या कि कौन सी लैंडिंग ऐप जेन्युइन है, सो दिस इज सेकेंड पॉइंट कि हमें एक व्हाइट लिस्ट बनाने की जरूरत है, राइट, और फिर माइटी उसको एंश्योर करेगा कि ओनली दीज एप्स आर होस्टेड ऑन एप स्टोर लाइक गूगल स्टोर, एप्पल स्टोर, ओके, दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ टेक प्लेटफॉर्म ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले, उनको मॉनिटर करना चाहिए कि ऐसी फर्जी एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रही है आपके प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके, गूगल एंड एप्पल हैव ब्लॉक सेवरल सच एप्स, उन्होंने किया काफी ब्लॉक, लेकिन ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, ये फिर दूसरी ऐप बना के फिर से आ जाते हैं। द प्रॉमिस ऑफ इजियर एंड फास्टर एक्सेस एट ए लो कॉस्ट लोन इज अपीलिंग वन, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर पुअर है ऑलरेडी, ठीक है, या फाइनेंशियली जो थोड़े लेस इंक्लूडेड हैं। कपल विद लो लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट कंडीशंस फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज अनलेस क्लोजली मॉनिटर्ड। सो नाउ फाइनली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक मस्ट स्टेप अप टू चैलेंज इंश्योरिंग अवेयरनेस थ्रू ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी वाइल डीलिंग विद फ्रॉडुलेंट। ये तो ये ग्रेटर अवेयरनेस ये करना, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना,
ये दो और ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो ये पांच तरीके हैं कि कैसे हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट कर दें, व्हाइट लिस्ट बना सकती है आरबीआई कि जेन्युइन जेन्युइन एप्स कौन सी हैं, या माइटी इंश्योर करे कि ये ऐप जो होस्ट की जाती है प्ले स्टोर पर वही ऐप हो जो व्हाइट लिस्ट में है, ठीक है। उसके बाद एंश्योरिंग द अवेयरनेस, एंड फिफ्थ इज ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पीपल, क्लियर। तो ये पांच हमें यहाँ पर सीधे सीधे पॉइंट्स मिल गए कि इस चीज को कैसे टैकल किया जाए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कुछ दो तीन पॉइंट्स ऐसे बता रहे हैं कि जो हमारा अगले क्वार्टर में जो ग्रोथ आएगी वो कैसे थोड़ी वीक हो सकती है। तो वीक हो सकती है, पहला रीजन कि रूरल डिमांड बहुत कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि काफी लेस देन नॉर्मल खरीफ आउटपुट होगा इस वक्त। अब गांव में लोगों के हाथों में पैसा कम होगा, तो वैसी बात है कि रूरल डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छी फसल आती है तो लोग सोचते हैं चलो एक ट्रॉली ले लेता हूँ, एक थ्रेशर ले लेता हूँ, ठीक है, या कुछ और सामान ले लेता हूँ। इनकम कम होगी तो वैसी बात है रूरल डिमांड जो होगी हमारी वो सबसाइड कर जाएगी, ठीक है। और जब डिमांड मार्केट में कम होती है अल्टीमेटली आपके जीएसटी के कलेक्शन पर भी असर पड़ता है। नाउ रूरल डिमांड कुड बी लेस इंप्रेसिव। दूसरा रीजन, हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग स्लो हो रही है। अब देखिए चीजें महंगी हैं या इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट, तो वैसे लोग सोचते हैं यार अभी प्रिजर्व करके रखते हैं, अभी नहीं खरीदते हैं। स्पेशली फूड इन्फ्लेशन की वजह से किचन का बजट बिगड़ा हुआ है, चाहे वो एलपीजी की कॉस्ट हो, फूड फ्रूट या वेजिटेबल के प्राइसेज हो, हैज बीन हाई, सो दैट हैज पुट ब्रेक ऑन स्पेंडिंग। सो हायर इन्फ्लेशन कम्स इन द वे ऑफ डिमांड। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर इज स्टिल स्लो। देखिए गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, रोडवेज, हाईवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाने के, बट प्राइवेट सेक्टर अभी भी उतनी तेजी से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कॉशियस है थोड़ा सा। और रीजन क्या है, प्री इलेक्शन ईयर, क्योंकि ऐसे में कंपनीज प्रेफर करती हैं वेट एंड वॉच अप्रोच कि देखते हैं अभी अगली नए अगर अगले साल चुनाव है, कोई नई सरकार आती है तो उनकी क्या पॉलिसी होती है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। हालांकि सरकार चेंज होने के चांसेस थोड़े कम है। एनीवे, यहाँ पर हमने बात की थी पिछले कुछ सेशन में कि ट्रांसजेंडर जो हैं उनका इंक्लूजन आर्म फोर्सेस में करने के लिए या नहीं करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो है मिस मदुरई कानेटकर, ये लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हुई है शायद, या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, ठीक है। तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है यहाँ पे। ऑब्वियसली देयर इज ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन दी सोसाइटल फैब्रिक, ठीक है। काफी अनफेयरली ऑस्ट्रेसाइज किया गया है इनको काफी टाइम तक। दे आर बॉर्न विद मिक्स सेट ऑफ जेंडर क्वालिटीज ड्यू टू क्रोमोसोमल और हार्मोनल रीअलाइनमेंट। नाउ वी नीड टू एंश्योर द ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, गिव देम बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड रिकग्नाइज दैट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड केपेबिलिटी अलोन एवरी वन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। ये डिसएडवांटेज सेक्शन रह गया हमारी सोसाइटी का, ना एजुकेशन मिला, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, ओके। उसके बाद मार्जिनलाइज रह गए, दे नीड टू बी वी नीड ए प्रोएक्टिव एक्शन फॉर दिस। दे फेस द आइडेंटिटी क्राइसिस, अभी तक क्या होता था कि उनको एग्जाम के फॉर्म भी भरने तो मेल या फीमेल कोई सा चूज कीजिए, थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं था उनके पास अभी तक। फेस आइडेंटिटी क्राइसिस, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टिग्मा, लैक ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब नाचा जजमेंट जब आया 2014 में, और उसके बाद जब हमने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 इनेक्ट किया, जिसमें हमने उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा, ओके। तो उसके बाद हालात थोड़े से इंप्रूव हुए। अब यहाँ पर रिसेंटली एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है विच इज लुकिंग इन टू द इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन आर्म फोर्सेज। द आर्म फोर्सेज रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, इट दे आर डिफाइंड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ डिसिप्लिन, बट यहाँ पर जो भी उनका इंक्लूजन होगा इट शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड केपेबिलिटीज टू सर्व विद डिग्निटी एंड प्राइड। वी नीड टू एंश्योर द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक आर इन प्लेस बिफोर एक्सपेंडिंग देयर रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, ओके। क्योंकि कई बार आपको फ्रंट पोस्ट पे अगर किया जा सकता है किया जाता है पोस्ट, तो फिर देखिए आपके सैनिटेशन, टॉयलेट्स वगैरह के इशू तो आते हैं ना। बट सेम चीज़ वो तो फीमेल ऑफिसर्स के टाइम पे भी आती है, बट वो चीज़ आपने हैंडल की है तो फिर ये भी कर ही लेंगे। एक सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटेजी की जरूरत है, विल ऑल्सो हैव टू बी इवॉल्व विद इन द आर्म फोर्सेज, ताकि वहाँ फोर्सेज में जाने के बाद उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इट वॉज द मेडिकल सर्विसेज विच फर्स्ट एब्जॉर्व वेमेन एज मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है। आर्मी में सबसे पहले वेमेन का एम्प्लॉय किया गया एज अ डॉक्टर एंड नर्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड मेरिट, एंड दे हैव अचीव रिमार्केबल सक्सेस। ट्रांसजेंडर पर्सनल इन सिमिलर फील्ड कुड परहैप्स बी टॉर्च बियरर वंस अगेन। स्टार्टिंग में हम लोग दे सकते हैं उनको रिलेटिवली शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट, लाइक कैंप्स में ही दे दो, ठीक है। शेल्टर अपॉइंटमेंट मे बी प्रोवाइडेड इन द बिगनिंग टू इंश्योर देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। नाउ बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड मैरिट दे कुड ऑल्सो सर्व एज स्टाफ ऑफिसर्स टू सीनियर अपॉइंटमेंट्स। दिस मे प्रोवाइड दैम ड्यू विजिबिलिटी एंड एनहांस देयर एक्सेबिलिटी इन द लार्जर टर्म।
However, all these measures should be considered for implementation only after wide discussion and debate, और वही ये वर्किंग ग्रुप कर रहा है. ठीक है नाउ एंड और भी बेटर होगा अगर हम इनको भी इन्वॉल्व कर सकें टू इन्वॉल्व ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाइल कंसिडरिंग दैम फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट. दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट एसेंशियल फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विद द नेसेसिटी ऑफ बींग ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट टू दिस एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. नहीं तो ये कुछ पॉइंट्स थे उनके. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पतंजलि को सीधे सीधे वार्निंग दी है कि बाबा रामदेव जो बोलते रहते हैं लगातार, ये जो आपके मॉडर्न साइंस है, मेडिसिन है, ये सब बेकार है. तो इसके अगेंस्ट पीआईएल पेटिशन डाली गई थी कि ये इनका बोलना लोगों को मिसगाइड कर रहा है. इनकी दवाइयों से इलाज हो ना हो वो अलग बात है, बट एक दूसरी मेडिकल फील्ड को हमेशा ये बोलना कि ये फेक है, फ्रॉड है, बेकार है, तो ये ठीक नहीं है. ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है पतंजलि को फाउंडेड बाय गुरु रामदेव इन डीलिंग विथ हर्बल प्रोडक्ट्स अगेंस्ट मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट अबाउट इट्स मेडिसिन एज क्योर टू सेवरल डिजीज. अब याद कीजिए कोविड के टाइम ये एक मेडिसिन लेके आ गए थे कि इससे इलाज हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगी, और खुद हमारे हेल्थ मिनिस्टर आके उसको लॉन्च कर रहे हैं उनके साथ विदाउट प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ दैट मेडिसिन. ये तो लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है, वो उस मेडिसिन पर रिलाई करने लगेंगे और फिर हेल्थ बिगड़ती जाएगी. ऑल सच फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ पतंजलि आयुर्वेद हैव टू स्टॉप इमीडिएटली. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एलिजिंग स्मियर कैंपेन बाय रामदेव अगेंस्ट द वैक्सीनेशन ड्राइव एंड मॉडर्न मेडिसिन. ये मॉडर्न मेडिसिन को बहुत गलत गलत बोलते रहते हैं और कुछ लोग इनकी बात में आ भी जाते हैं. चलिए हमास का देख लेते हैं. लश्कर ए तैयबा को उसने डेजिग्नेट किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कॉलिंग इट ए डेडली एंड रेप्रिहेंसिबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन. ओके किया इसलिए है ताकि इंडिया को भी नज कर सके कि आप भी सेम कीजिए हमास के साथ. ठीक है ओनली हैंडफुल ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन इन द वर्ल्ड करेंटली डेजिग्नेट हमास एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है हम पीछे देख ही चुके हैं कौन कौन सी थी. यूरोपियन यूनियन ने डेजिग्नेट किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है, कैनेडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, पैराग्वे एंड यूएस. ये पैराग्वे को याद रखना, अगर गलती से उसने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया तो यूएस, यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब तो एक जैसे लगेंगे, पैराग्वे थोड़ा सा होगा जो दिमाग में नहीं आएगा वहां. राइट याद की रखिएगा, इसने भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और इंडिया ने तो बिल्कुल नहीं किया अभी तक. इंडिया डिड इनिशियली डिस्क्राइब द हमास रेड इन सदर्न इजराइल एज टेररिस्ट अटैक बट हैज सिंस स्पोकन द नीड फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज डेजिग्नेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटेल. तो देखिए ये हर कंट्री अपने स्पेसिफिक लॉस के अंडर में करती है. अब इससे क्या होता है कि उन पे काफी सारे कर्व्स लगाए जा सकते हैं कि अगर उनके कोई एसेट है हमारी कंट्री पे तो हम फ्रीज कर लेंगे. हम वी कैन टेक ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन. करेंटली 44 ऑर्गेनाइजेशन आर डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ यूएपीए इंडिया. ये 44. नेक्स्ट आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी, सॉरी नॉट आईपीसी की, एमिशन कैप रिपोर्ट बाय यूएनईपी. ठीक है उसने क्या कहा था कि इस साल में ऑलमोस्ट 86 डेज पे ऑलरेडी टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, जो कि हमारा गोल था कि हमें 2030 तक इसके अंडर में या फिर 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर में ही रखना है. ठीक है ये तो हम लोग अभी से ब्रीच करने लगे हैं, 2030 तो बहुत दूर है. और हमने कहा था कि हमें एवरी ईयर ऑन ईयर हमें एमिशन डिक्रीज करने, बट लास्ट ईयर एमिशन ऑलमोस्ट 8% से इंक्रीज हो गए. अब कुछ टर्म समझते हैं एमिशन ये क्या होते हैं. ठीक है एमिशन को जल्दी से जल्दी पीक करना था, यानी बस ये पीक पे पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद यहाँ से सिर्फ डिक्लाइन ही होना है, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है. ठीक है हमें जरूरत क्या है, हमें 2030 तक एमिशन को 43% कम करना है कंपेयर टू 2019 लेवल में जितने थे उससे. ठीक है 43% डिक्रीज करना है, बट सच ये है कि एमिशन अभी भी बढ़ रहे हैं. पिछले साल भी हमारे एमिशन इंक्रीज हुए हैं 22 में, सिर्फ एक टाइम पे डिक्रीज हुए थे जब कोविड आया था. तो अगर हम इस तरीके से चलते भी रहेंगे ना तो भी हम ज्यादा से ज्यादा अगर डिक्रीज करने भी जाएंगे तो सिर्फ 2% कर पाएंगे बिलो 2019, जबकि हमको करना कितना है 43%, हम सिर्फ 2% कर पाएंगे. अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब ये होता है कि आप रिवर्स तो कर नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते, मिटिगेट कर नहीं सकते, तो अडेप्ट करना सीख लो. ठीक है अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अडेप्टेशन मेजर कौन कौन से हो सकते हैं. एटलीस्ट $215 बिलियन की जरूरत है हर साल. ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज को अडेप्टेशन के लिए, बट कितना मिल रहा है उनको, बेयरली $21 बिलियन. ठीक है जस्ट 10% जितना जरूरत है उसका. लॉस एंड डैमेज फंड पिछले समिट में बंद हो गया. ओके उसमें आपने डिसाइड किया था कि $100 बिलियन ईयर देंगे कंट्रीज को, बट उसमें कोई मनी अभी तक दिया नहीं गया. ठीक है COP 27 में बना था लॉस एंड डैमेज फंड, कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट में, और अब COP 28 हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, यूएई में. फाइनेंस, टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए आपको पर ईयर, बट आपने प्रॉमिस क्या किए, सिर्फ $100 बिलियन, और वो भी मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं. $100 बिलियन आपने प्रॉमिस किए हैं,
बट आप वो भी नहीं दे रहे डेवलप कंट्रीज। टेम्परेचर हमें रोकना है विद इन 1.5 डिग्री, बट सच ये है कि डेली लेवल पर तो हम लोग अभी ही ब्रीच कर चुके हैं। और ये सब कहां से निकल के आया? एमिशन गैप रिपोर्ट बाय यूएनईपी। नाउ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड टू बी कट बाय एटलीस्ट 43% फ्रॉम 2019 लेवल बाय 2030, ताकि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पे रोक सकें। एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी ने रिलीज की थी, उसने कहा है कि एमिशन बढ़ रहे हैं कम होने की बजाय। मीटिंग दी 2030 टारगेट, इसके लिए हमें जरूरी होगा कि हम रिडक्शन करें ऑलमोस्ट 9% एवरी ईयर, बट उल्टा हमारा पिछले साल तो एमिशन रिड्यूस होने की बजाय बढ़ा है। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कोविड, क्योंकि कोविड भी जब आया था ना, जब सब जगह लॉकडाउन लगा था, तब भी एमिशन हमारे रिड्यूस हो पाए थे सिर्फ 4.7%। तो 9% हर साल हम कैसे रिड्यूस कर पाएंगे? टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है, सी लेवल राइज बढ़ रहा है, तो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को ज्यादा रिस्क है, दे आर थ्रेटन्ड बाय राइजिंग सी लेवल्स। ठीक है, अब इनको क्या करना है? ये मिटिगेट तो कर नहीं सकती छोटी आइलैंड कंट्रीज, तो ये अडेप्ट कर सकती हैं बस। ठीक है, क्या करेंगे? सी वॉल्स बना लीजिए ताकि समुद्र का पानी आपके एरिया में ना घुसे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप और ज्यादा रेजिलेंट बना लीजिए। यू कैन सेट अप अर्ली वार्निंग सिस्टम, और यू कैन इन्वेस्ट इन टेम्परेचर रेजिलेंट एग्रीकल्चर, बेटर सीड वेराइटी, ठीक है, या वाटर रिसोर्स में। ऑल दीज आर अडेप्टेशन मेजर्स। प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट देके पूछेगा आपसे, चार पांच ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा अडेप्टेशन मेजर है और कौन सा मिटिगेशन मेजर है। अब देखिए, हमने बात की थी ना कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, वो मिटिगेशन मेजर है, यानी कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है उसको लेकर स्टोर कर रहे हैं अंडर दी रॉक्स, वो मिटिगेशन एफर्ट का एग्जाम्पल है। ये सारे सी वॉल बना लो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेजिलियंट बना लेंगे, या अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लें, या टेम्परेचर रेजिलियंट एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, ये सब एडेप्टेशन है। कार्बन कैप्चरिंग वहां पर हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहलाएगा मिटिगेशन मेजर। ग्लासगो समिट हुआ था 21 में, और रिच कंट्रीज एग्री टू डबल द अमाउंट ऑफ मनी गोइंग टुवर्ड्स अडेप्टेशन प्रोजेक्ट बाय 25, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया अभी तक। अवेलेबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन मनी हैज एक्चुअली डिक्लाइन बाय ऑलमोस्ट 15%। आपने मनी डबल करने की बात की थी, बट उल्टा डिक्लाइन हो गया। लॉस एंड डैमेज फंड पिछले समिट में हमने बना लिया है। डेवलपिंग कंट्रीज मैनेज टू गेट ए लॉस एंड डैमेज फंड इन शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर COP27 समिट में। फंड इज मेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू कंट्रीज स्ट्रक बाय क्लाइमेट डिजास्टर, बट दिस फंड इज एम्प्टी। तो उम्मीद की जाती है कि COP28 जो अब होगा उसमें शायद कुछ फंड डाल दो आप, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड में कुछ पैसे डाले जा सके। मच ऑफ द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रेस्ट ऑन द प्रीमाइस दैट रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज वो टेक द लीड, नॉट जस्ट इन एमिशन कट बट ऑल्सो इन प्रोवाइडिंग मनी। एंड सिर्फ मनी की बात नहीं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी बात है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए हमें अच्छी। What happened next? 2030 emission reduction target consistent with 1.5 or even 2 degrees Celsius. ये तो almost खत्म है, मतलब बात नहीं कर सकते आप बच्ची। It is extremely improbable that these targets would be met. Now, इस साल 86 days already crossed the year when daily temperatures exceeded pre-industrial average by more than 1.5 degrees Celsius, and at least 2 days ऐसे भी थे जहां पर 2 degrees से भी ज्यादा ऊपर जा चुका था temperature. ओके, 23 इज ऑल सेट टू इमर्ज एज द वार्मेस्ट ईयर। इससे पहले वार्मेस्ट ईयर कौन सा था? 2016। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अडेप्टेशन अपनी जगह है, हम लोग से मिटिगेशन के लिए कोशिश कर सकते हैं, और उसका एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल थ्रू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। राइट, अब कल न्यूज आई थी कि सतलज की सैंड से हमें मिले हैं एक रेयर अर्थ एलिमेंट, दैट इज टैंटेलम। सतलज रिवर के बेड से मिला है पंजाब में। इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में। रेयर मेटल है, एटॉमिक नंबर होता है 73, ग्रे होता है, हैवी होता है, और वेरी हार्ड एंड मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इन यूज टुडे। इसकी क्वालिटीज याद रखिए, इसमें से आराम से दो तीन क्वेश्चन बना लेगा और प्रीलिम्स के, ठीक है, और उसमें से कोई सा एक आपको दे देगा। नाउ व्हेन प्योर, जब प्योरेस्ट कंडीशन में होता है ना, तो टैंटेलम इज डक्टाइल, मीनिंग इट कैन बी स्ट्रेच्ड, पुल्ड और ड्रॉन इनटू थिन वायर जस्ट लाइक रबर बैंड, ओके, थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग। It is almost completely immune to chemical attack at temperature below 150 degree and attack only by, ये भी जान लो कि attack किससे हो सकता है इस पे। It can only be attacked by hydrofluoric acid, acidic solution containing the fluoride ion and free sulfur dioxide. सिर्फ इनसे attack हो सकता है। Tantalum has an extremely high melting point exceeded only by tungsten and rhenium. ये point भी याद रखना जरूरी है prelims के लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि इसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं होता, इससे ज्यादा टंगस्टेन और रेनियम का भी होता है, क्लियर। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसे हम लोग, ये जो हम आजकल हाइपर लूप वाली ट्रेनों की बात करते हैं, ठीक है, या रॉकेट्स की बात करते हैं, उसमें इस मटेरियल को यूज किया जा सकता है।
नो दैट ओनली पहले ये माना गया था कि ये सिर्फ एक अलग फॉर्म है नियोबियम का, ठीक है, बिकॉज केमिकली सिमिलर थे दोनों, बट बाद में ये कहा गया कि नहीं, दिस टू आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। दे आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉलर साइज विदाउट मच लीकेज कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर। ओके, स्मार्टफोन में यूज करेंगे, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास। एज टेंटेलम हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर प्लैटिनम विच इज मोर कॉस्टली। कॉम्पोनेंट्स फॉर केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स, टेंटेलम डज नॉट रिएक्ट विद बॉडीली फ्लूइड, सो इट कैन बी यूज टू मेक सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लांट्स लाइक आर्टिफिशियल जॉइंट्स। एक कॉम्पोजिट, अगर हम एक कॉम्पोजिट बनाते हैं ना टेंटेलम कार्बाइड और ग्रेफाइड का मिलाकर, तो इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। ठीक है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड बन जाएगी। इट इज यूज ऑन कटिंग एज ऑफ हाई स्पीड मशीन टूल्स। ओके, यहाँ पर है म्यांमार में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए कंसर्न बस ये है कि म्यांमार में जो चल रहा है वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है, दैट इज आर कंसर्न। सो पहला कंसर्न ये है कि रेफ्यूजी इन्फ्लक्स पड़ेगा हमारे यहाँ। ऑलमोस्ट 5,000 रेफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार एंटरिंग मिजोराम। ओके, एंड दिस इज क्रिएटिंग ए ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज। और मिजोराम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो चीजें कही थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, बॉर्डर सील कर दो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम कुकी चीन 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 जो है, वी हैव एथनिक टाइज, हम लोग ये हमारी भाई हैं, ना आने दो। दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, आ रहे हैं तो आने दो, बायोमेट्रिक डिटेल्स ले लो इनकी। तो मिजोरम गवर्नमेंट ने वो भी मना कर दिया कि हमें नहीं लेनी, अगर हम बायोमेट्रिक डिटेल्स रखेंगे तो कल को आप इनको एक्सपेल कर दोगे और ये हमारी भाई बंधु हैं। ओके, तो रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रहा है। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न। नाउ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट नियर इंडिया म्यांमार बॉर्डर हैव रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंडियन बॉर्डर स्टेट्स। दीज कंसर्न एनकंपास इश्यूज सच एज क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, इलीगल ड्रग ट्रेड एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग। थर्ड इज इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एक्सिस पॉलिसी। अब याद कीजिए, IMT ट्राइलेटर हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड है ना, वो क्या कर रहा था, वो हमारे साउथ एशिया को आसियान से जोड़ रहा था। ओके, तो उस पर तो असर पड़ेगा ही, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स लाइक IMT ट्राइलेटर हाईवे। इसी के अलावा एक और प्रोजेक्ट था कलादान, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, वो भी म्यांमार के साथ ही था। तो ये सब क्रूशियल रोल था इनका इंडिया की कनेक्टिविटी आसियान कंट्रीज के साथ बढ़ाने में, वो सब डिस्टर्ब होगी यहाँ पर। फोर्थ है डिप्लोमेटिक चैलेंज। नो, इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस इट्स रिस्पॉन्स टू मिलिट्री कूप इन म्यांमार वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। अब देखिए, वहाँ पर मिलिट्री कूप हो तो ऐसे डेमोक्रेसी तो हमें बात नहीं करनी चाहिए उनसे, बट हमें करनी पड़ रही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्वेल करना में म्यांमार का रोल है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मिलिटेंट्स आते हैं, हमला करते हैं हमारे इधर और फिर भाग जाते थे म्यांमार में। अब अगर ऐसे में हम वहां की मिलिट्री के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर उनको सेंचुरी प्रोवाइड करने लगेंगे, ठीक है, इंडिया में जाओ हमला करो, यहाँ जाओ, राइट। तो वो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन जाता है। अब उनके जो एनिमीज हैं, जो उनको लड़ रहे हैं उनकी आर्मी से, वो आके हमारे यहाँ आ रहे हैं, लड़के मिजोरम में आ जाते हैं, तो ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज क्रिएट कर रहा है कि अब कैसे हैंडल करें। फिफ्थ है रीजनल स्टेबिलिटी। द कंफ्लिक्ट पोजेज अ थ्रेट टू ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, स्पेशली होल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो हमें सिर्फ टॉपिक को इसी कंटेक्स में जानना होता है यार, कि हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें नहीं मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हो। ओके, यहाँ पर है रिवर निप्रो, ब्लैक सी में जाके गिरती है। ओके, यहाँ पर वन वेब इंडिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड दिस ऑथराइजेशन। इनको परमिशन मिल गई है रेगुलेटरी नोड फॉर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ठीक है, और ये भारतीय ग्रुप ने लॉन्च किया है। IPEF सप्लाई चेन वोंट इम्पैक्ट पॉलिसी स्पेस, ठीक है। IPEF वॉज लॉन्च ज्वाइंटली बाई यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, ये सब मैं आपको पिछले कुछ सेशन में बता ही चुका हूँ, टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। चार पिलर हैं इसके, चारों पिलर को एक एक करके देख लेते हैं। इंडिया ने साइन किया है अभी एक पिलर, ठीक है, मतलब हमने सिर्फ ट्रेड वाले ही छोड़ा है, बाकी सब साइन कर लिए। चार पिलर होते हैं, फर्स्ट है ट्रेड का, सेकेंड है सप्लाई चेन रेजिलियंस, थर्ड है क्लीन इकॉनमी, फोर्थ है फेयर इकॉनमी, ठीक है, मतलब एंटी करप्शन वाली बातें। ओके, तो हमने ये सिर्फ ट्रेड वाला है जिसको हमने साइन नहीं किया है। फोकस इज ऑन एनहांसिंग ट्रेड एंगेजमेंट अमंग IPEF मेंबर्स, इट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। इंडिया हैज जॉइंट पिलर 2 to 4 IPEF, वाइल इट इज एन ऑब्जर्वर इन पिलर 1। ये ट्रेड वाला जो पिलर है इसमें हम लोग से अभी ऑब्जर्वर है। सप्लाई चेन रेजिलियंस सेकेंड पिलर, टू मेक सप्लाई चेन मोर रेजिलियंट, रोबस्ट एंड वेल इंटीग्रेटेड। इट एम्फेसाइज क्राइसिस रिस्पॉन्स मेजर्स एंड कॉपरेशन टू मिटिगेट डिसरप्शन। मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले 2 दिन के डिस्कशन में समझा चुका हूँ। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस। ओके, PDF में आपको अपने जो मेन 450+ का प्राइवेट ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दूंगा। फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट।
इस पे फोकस होता है हमारा, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं सभी कंट्रीज आपस में, और इन्वेस्टमेंट। इट एम्स टू एनहांस वर्कर्स रोल थ्रू अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, क्योंकि मैं आपको पहले पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ तो इतना तो अब आपको पता ही होगा। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं इसमें? क्लीन इकोनॉमी, इट एम्स टू एडवांस कॉपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। इट फोकसेस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट कमर्शियलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी लाइक कार्बन स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इस तरह की टेक्नोलॉजीज। एंकरेज इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फोर्थ है फेयर इकोनॉमी, तो यहाँ पर हम लोग कुछ एंटी करप्शन मेजर और ये जो टैक्स मेजर्स होते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, इन सबको रोकने के लिए। इट हाईलाइट इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन इंप्रूविंग लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट करप्शन। ओके, तो ये हमने जान लिया। ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग तो एक्सपोर्ट वगैरह पे कर्व करते रहते हैं ना, जैसे हमने राइस पे किए, वीट पे किए, ओनियन पे किया, ठीक है। तो इंडिया हैज एक्सटेंसिवली यूज मेजर्स टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड अरेस्ट प्राइसेस इन रन अप टू जनरल इलेक्शन। द सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है, तो उन्होंने कहा है कि इट विल नॉट कर्व न्यू दिल्ली पॉलिसी स्पेस टू इम्पोज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। जब जरूरत पड़ेगी हम एक्सपोर्ट लगा सकते हैं अभी भी, और एक्सपोर्ट पे बैन या रिस्ट्रिक्शन। ओके, दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड डू ज्वाइन द मेंस 450+ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। Have a great day and keep learning.